तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और भाई आज यहाँ पे मतलब गैलेक्टिक एरा आ चुका है, न्यू एरा है। और देख सकते हो भाई आइलैंड्स वगैरह थोड़ा चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे फार्म्स का थोड़ा देख सकते हो डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है और काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं फार्म्स। और हैचरी दिखा देता हूँ मैं आपको, तो ये रही हैचरी और बाकी आप देख सकते हो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भाई इवेंट्स भी हैं, तो इवेंट्स वगैरह भी देखेंगे। तो सबसे पहले बैटल पास देख लेते हैं। तो यहाँ पे रेवन बॉट नाम का एक यहाँ पे मॉन्स्टर है जो कि थंडर और क्या कहते हैं डार्क एलिमेंट का मॉन्स्टर है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ मॉन्स्टर। तो ये वाला मॉन्स्टर है, तो मॉन्स्टर भी ठीक है। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे लेजेंड पास में। तो लेजेंड पास में यहाँ पे दो मॉन्स्टर्स हैं, तो ये गोल्डन लेजेंड पास वाले प्लेयर्स को मिलेगा। और बाकी फ्री वाला मॉन्स्टर ये रहा, तो ये वाला मॉन्स्टर है। तो ये मॉन्स्टर भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, ये फ्री में मिलेगा तो चलो ठीक है। और अभी यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको इवेंट्स दिखा देता हूँ। तो ब्रीडिंग इवेंट में यहाँ पे एक न्यू मॉन्स्टर आया है, तो देख सकते हो भाई यहाँ पे ब्रीड कर सकते हैं इसको। यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, तो मैंने दोनों कॉम्बिनेशन दोनों यहाँ पे लगा रखे हैं, मतलब ब्रीडिंग ट्री और ब्रीडिंग माउंटेन दोनों में लगा रखा है। और सबसे पहले यहाँ पे मैं इवेंट्स दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला इवेंट है जो कि क्रिएटर आइलैंड्स में एक मॉन्स्टर आया है, तो चलो ठीक है ये वाला मॉन्स्टर आया है। और यहाँ पे एक मेज़ आया है, तो मेज़ भी दिखा देता हूँ। तो मेज़ में भी एक मॉन्स्टर है, और ये वाला मॉन्स्टर भी क्या कहते हैं गैलेक्टिक एरा का मॉन्स्टर है। तो यहाँ पे स्पिन करता हूँ, और अभी मेरे पास मेज़ कॉइंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी मूव नहीं करा सकता मॉन्स्टर को। और यहाँ पे भाई समर चैलेंज भी आ चुका है, तो समर चैलेंज में ये तीन मॉन्स्टर्स हैं। तो मैं पहले वाले में तो यूज़ नहीं करने वाला अपने समर कॉइंस, और लास्ट के ये जो दो मॉन्स्टर्स हैं इनमें से किसी के ऊपर यूज़ करने वाला हूँ। ये वाला जो मॉन्स्टर है इसके कुछ सेल्स मेरे पास पहले से हैं, तो शायद से इसी के ऊपर मैं अपने मेज़ कॉइन्स यहाँ पे समर कॉइन्स यूज़ करने वाला हूँ। तो चलो ठीक है अभी बाद में देख लेंगे। अभी मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ, तो मैं आपको भी बता देता हूँ आपको ये समर कॉइन्स मिलेंगे कैसे। तो यहाँ पे शॉप में चलता हूँ, पैक्स में चलता हूँ, और यहाँ पे चेस्ट में चलता हूँ। तो यहाँ पे एक न्यू चेस्ट आई है, गैलेक्टिक एरा डाउन चेस्ट, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो जितनी बार भी आप ये चेस्ट ओपन करोगे उतनी बार आपको यहाँ पे 10 समर कॉइन्स मिलेंगे, और अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको मिथिक मॉन्स्टर वगैरह भी मिल सकते हैं। और भाई इस बार का रिसोर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, एस्ट्रोनाइट है। जैसे पिछली बार नेक्टर था, इस बार यहाँ पे एस्ट्रोनाइट है, तो इसमें एस्ट्रोनाइट भी मिल सकता है। तो बाकी देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे। तो इसको मैं ज़रा एग्ज़िट करता हूँ। तो भाई बाउंटी हंट जा चुका है, और बाउंटी हंट से मैंने मतलब लॉर्ड इनहेरिटर के भी सेल्स कलेक्ट कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कहते हैं यहाँ क्राफ्टिंग में। तो ये वाला मॉन्स्टर तो पहले मैंने इसके कलेक्ट कर लिए थे सेल्स, तो इसके सेल्स मैंने कलेक्ट करे थे टेडी बॉम्ब के, इसके भी कलेक्ट कर लिए थे। और ये वाला मॉन्स्टर इसको मैं अभी हैच कर सकता हूँ क्या? अभी नहीं कर सकता। और बाकी यहाँ पे क्या कहते हैं जो प्राइड चैप्टर था उसको भी मैंने प्ले करा था। तो सबसे पहले मैंने इसको प्लेस करा था ये वाला मॉन्स्टर, और इसको रैंक अप करना पड़ा था, तो मैंने जेम से करा था क्योंकि यहाँ पे रैंक अप में मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था। इस वाले मॉन्स्टर को लगा रखा था, तो यहाँ पे 25 जेम्स लग गए, और उसको मैंने फिनिश इंस्टेंटली भी करा था क्योंकि मेरे को यहाँ पे मॉन्स्टर चाहिए था प्राइड चैप्टर में। अभी तो चला गया वो प्राइड चैप्टर, तो वहाँ से मैंने यहाँ पे दो फ्लैग्स भी कलेक्ट कर लिए। भाई वहाँ पे जो काफ़ी बढ़िया बढ़िया मॉन्स्टर्स थे उनको हराना काफ़ी मुश्किल था, उसमें काफ़ी टाइम लग गया मेरे को हराने में। चलो कोई नहीं, यहाँ पे मैं आपको फ्लैग दिखा देता हूँ। ये वाला रेनबो फ्लैग है और ये ट्रांस फ्लैग है, तो फ्लैग्स वगैरह तो मैं नहीं लगाऊंगा। इसको एग्ज़िट करता हूँ अभी, और यहाँ पे देख सकते हो भाई तीनों मॉन्स्टर यहाँ पे हो चुके हैं। और ये वाले मॉन्स्टर के सेल्स मेरे को क्या कहते हैं मॉन्स्टर वुड से मिले थे, तो इसको भी मैंने क्राफ्ट कर लिया है, तो उसको प्लेस कर देता हूँ। सबसे पहले नेचर वाले यहाँ पे ना, तो नेचर के यहाँ पे प्लेस करता हूँ, तो उसका स्पेशल अटैक देखते हैं। ये ब्लोसम एरा का एक और मॉन्स्टर अपने पास आ जाएगा, तो अटैक भी ठीक है इसका। और यहाँ पे ये वाला आ चुका है अपने पास मॉन्स्टर, तो दूसरा मॉन्स्टर भी मेरे पास एक ये वाला है, इसको भी प्लेस कर देता हूँ। डार्क वाला कहाँ पे है? डार्क वाला यहाँ पे है, लेकिन डार्क के लिए मेरे पास हैबिटेट नहीं है। चलो मैजिक वाले में लगा देता हूँ, तो इसका भी स्पेशल अटैक देख लेते हैं। ये लेजेंड पास का मॉन्स्टर है, तो इसका अटैक भी ठीक है, इसको स्किप कर देता हूँ अभी। और क्या कहते हैं एक और मॉन्स्टर है मेरे पास, ये वाला मॉन्स्टर, ये तो पिछले बाउंटी हंट का मॉन्स्टर है। चलो ठीक है इसको कहाँ पे लगाता हूँ, तो ये अर्थ का मॉन्स्टर है, तो यहीं सेंटर में लगा देता हूँ इसको। इसका स्पेशल अटैक देखते हैं, तो चलो ठीक है इसका स्पेशल अटैक भी ठीक है। और अभी फूड वगैरह बाद में खिला दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चलता हूँ मैं आपको बैटल्स में वो दिखा देता हूँ डंजियंस वगैरह। तो डंजियंस में यहाँ पे सीजनल डंजियन है, और सीजनल डंजियन में यहाँ पे एरा सर्वाइवल डंजियन है, फिर यहाँ पे रिसोर्स डंजियन है जिसमें तो सब कुछ सेम ही है। और यहाँ पे पीछे चलते हैं, तो यहाँ पे रैंक अप सर्वाइवल डंजियन आ चुका है गैलेक्टिक एरा वाला भी, तो इसमें देख सकते हो भाई एस्ट्रोनाइट मिलेगा। तो अभी मेरे पास कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, तो मैं यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता। बाकी ब्लोसम एरा वाला भी है,
और बाकी यहाँ पे एरा एरा सागा में चलते हैं, तो यहाँ पे गैलेक्टिक एरा का भी आ चुका है। तो चलो ठीक है, इसको मैं अभी एग्ज़िट करता हूँ। और यहाँ पे हैचरी खाली हो चुकी है, तो इसको कलेक्ट करके हैचरी में लगा देता हूँ और रैंक अप में इसको कलेक्ट करता हूँ। तो चलो कंटिन्यू करता हूँ, ये भी रैंक वन का हो गया और एक रैली खुल गई। चलो ठीक है, इसको हटाते हैं पहले और रैंक अप में चलता हूँ, और मॉन्स्टर्स को भी रैंक अप कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सेल्स भी कलेक्ट करे थे। चलो विजल को पहले ब्रेकआउट करता हूँ, बीम बॉट को भी ब्रेकआउट कर देता हूँ, इसको भी कर देते हैं ब्रेकआउट, बाकी इसको तो रैंक अप कर सकता हूँ। तो चलो इसको रैंक अप पे लगा देता हूँ, क्राफ्टिंग में चलता हूँ। क्राफ्टिंग में पहले चलो टेडी बॉम को पहले क्राफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सीधा चलता हूँ मैं, थोड़ा फाइट वगैरह करता हूँ। तो यहाँ पे भाई एक चीज़ हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 से 3 तक जितनी भी टीयर वाली चेस्ट होंगी उसमें भाई हमें बैटल पास वाले मॉन्स्टर के सेल्स नहीं मिलेंगे। देख सकते हो भाई यहाँ पे टीयर 4 वाली चेस्ट में ही सेल्स मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कितने सेल्स मिले, 5 सेल्स मिले यहाँ पे। जो टीयर 1 की चेस्ट होगी, टीयर 2 की चेस्ट होगी, टीयर 3 की चेस्ट होगी, उन तीनों चेस्ट में हमें सेल्स नहीं मिलेंगे, मतलब बैटल पास वाले मॉन्स्टर के सेल्स नहीं मिलेंगे। और टीयर 3 से ऊपर वाली जितनी भी चेस्ट हैं उनमें तो हमें सेल्स मिलेंगे बैटल पास वाले के। और भाई न्यू एरा के साथ यहाँ पे क्या कहते हैं, न्यू बुक्स भी आ गई हैं, तो बुक्स भी देख लेते हैं। पहले तो ये क्रिएटर आइलैंड्स वाले मॉन्स्टर की यहाँ पे बुक है और गैलेक्टिक एरा की एक बुक है जिसमें 2 चैप्टर्स हैं। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारी बुक्स आई हैं, तो चलो ठीक है, बुक्स वगैरह तो बाद में देख लेंगे। और अभी क्या कहते हैं, यहाँ पे चलता हूँ मैं और सीधा फाइट कर लेता हूँ। एक मेरे पास एम्प्टी स्लॉट अवेलेबल है तो फाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे शील्ड है तो शील्ड हट जाएगी, चलो यस कर देते हैं। और देख सकते हो भाई यहाँ पे ये भी चेंज हो चुका है यहाँ पे इसका एनिमेशन। तो फाइट करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले स्टोलन विटमिन्स। चलो 2 मॉन्स्टर फिनिश हो गए, ये वाला मॉन्स्टर बचा हुआ है, इसको डैमेज तो हो रहा है, ये भी फिनिश हो गया। और यहाँ पे विक्ट्री, देखते हैं कौन सी टीयर की चेस्ट मिलती है। तो 12 मेज कॉइन्स मिल गए यहाँ पे और टीयर 5 की चेस्ट मिली है, तो इसमें तो हमें मिलेंगे, मतलब क्या कहते हैं, सेल्स मिल जाएंगे बैटल पास वाले मॉन्स्टर की सेल्स। 10 सेल्स मिल सकते हैं, 10 से 15 सेल्स भी मिल सकते हैं। और देख सकते हो भाई टीयर 1 वाली चेस्ट में नहीं मिलेंगे, और दूसरी भी मेरे पास टीयर 1 की चेस्ट पड़ी है, तो ये पुरानी वाली चेस्ट है, तो उसमें पुराने वाले मॉन्स्टर के सेल्स मिल जाएंगे। तो चलो भाई न्यू एरा आ चुका है, काफ़ी बढ़िया बढ़िया मॉन्स्टर्स भी आते रहेंगे। तो चलो भाई, मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगा ये गैलेक्टिक एरा, और आपको कैसा लगा गैलेक्टिक एरा आप कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।